हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकाश एंड यू आर वाचिंग लर्न विद आकाश। सो यार, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू कंप्लीट क्लास 12 फिजिक्स इन 4 मंथ्स। 4 महीने के अंदर हम आईएससी फिजिक्स को कैसे यार समाप्त करेंगे, ठीक है यार। तो इट्स अ स्पेशल वीडियो फॉर आईएससी 2020-21 बैच। अगर सीबीएसई के भी कोई स्टूडेंट हो यार, तुम भी इस वीडियो को फॉलोअप कर सकते हो, क्योंकि जितने भी चीज को लेके हम बात करने वाले हैं ना इस वीडियो के अंदर, वो सारी चीज रिलेवेंट है। एंड समाप्त मतलब भैया क्या सिर्फ और सिर्फ सिलेबस खत्म करेंगे? नहीं यार, सिलेबस सिर्फ और सिर्फ हम खत्म नहीं करेंगे। सिलेबस खत्म करने के साथ साथ हम 10 ईयर्स, जो कि आईएससी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्लस एंड योर सैंपल पेपर्स, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड वो भी हर एक चैप्टर के अंदर हम वो सारे चीज को लेकर बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, ठीक है। सो फर्स्ट बात करते हैं, राइट नाउ वी आर कंसिडरिंग दैट कि अभी भी लॉकडाउन चल रहा है या फिर इस साल, एंड जितने भी 2021 के स्टूडेंट हो यार, ये साल, ठीक है, चाहे तुम सीबीएसई में हो या फिर आईएससी में हो, ये साल तुम्हारा बहुत सारे क्लासेस मिस हुआ, बहुत सारा महीना यार बीत गया, ठीक है यार, स्कूल रीओपन नहीं हुआ, तो इसीलिए तुमको स्पेशली दो चीज के ऊपर फोकस करना है फ्रॉम राइट नाउ, चाहे तुम किसी भी बोर्ड का स्टूडेंट हो। पहला क्या है? पहला है यार योर सेल्फ स्टडी, एंड दूसरा है योर ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन यार, ऑनलाइन के अंदर बहुत ज्यादा तुमको डिपेंड करना है, ठीक है। राइट नाउ तुम इस वीडियो को जिधर देख रहे हो, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, योर यूट्यूब, ठीक है, वेरी गुड। इसी के साथ यार हमको सेल्फ स्टडी के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर करना पड़ेगा। पहले हम क्या करते थे यार, 2-3 ट्यूशन टीचर के पास जाते थे, जाके अपना यार डाउट सॉल्व करते थे। तो यार जब स्वयं के ऊपर बात आता है ना, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि तुम कितना ज्यादा एफर्ट लगा रहे हो, तुम कितना ज्यादा अपने से यार एफर्ट लगा रहे हो टू मेक एवरीथिंग परफेक्ट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यार हमारे बोर्ड के अंदर, मतलब आईएससी बोर्ड के अंदर, हमारे यार चैप्टर्स जो है वो सेम टू सेम है सीबीएसई के भी, बट कुछ पेपर पैटर्न कुछ अलग है, एंड इसी के साथ साथ मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा अलग है। मान लो कि यार आईएससी का यार मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन है 14 मार्क्स का, दिस टू चैप्टर को मिला के, एंड इसी के साथ सीबीएसई का यार 16 मार्क्स का, तो ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। तो यार स्टार्ट करते हैं विद अवर सिलेबस, ठीक है। तो पहले वी हैव इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, और एक बात मैं इधर और एक चीज कंसिडरेशन में ले रहा हूँ कि दोज आर राइट नाउ वॉचिंग दिस वीडियो, तुमने यार क्लास 12 के लिए कुछ भी पढ़ाई नहीं की हो। क्या नहीं की हो? कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हो। मैं वो चीज को कंसिडरेशन में लेते हुए ये वीडियो के अंदर जितने भी चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा, और एक बात, क्या भैया सिर्फ और सिर्फ ये बुक पढ़ के 100 में 100 हम ला सकते हैं? जी हाँ यार, तुम यही बुक पढ़ के 100 में 100 ला सकते हो। भैया क्या 100 से 1 भी मार्क्स कम नहीं होगा यार? ये मार्क्स जितना भी कम होगा वो डिपेंड करेगा तुम्हारे ऊपर, ठीक है। भैया मेरे ऊपर क्यों डिपेंड करेगा? तुम्हारे ऊपर इसलिए डिपेंड करेगा कि तुम कितना ज्यादा एफर्ट लगा रहे हो। तुम इसी के साथ ये सिलेबस को सिर्फ और सिर्फ समाप्त नहीं यार, सिलेबस को सिर्फ और सिर्फ खत्म नहीं, खत्म के साथ साथ कितना रिवीजन कर पा रहे हो, एंड इसी के साथ साथ जो हमारा लास्ट इयर्स है यार, लास्ट 10 इयर्स, इस बार यार 2020 के जो वीडियो हमने बनाया चलेगा नहीं, लास्ट मिनट सेशन, वो वीडियो जाके देख सकते हो, जो मेरा मेन चैनल है आकाश टॉक्स, आकाश टॉक्स के अंदर जाके आप देख सकते हो वो वाला वीडियो को। एंड हमने यार जो जो चीज बोला था, हर एक चीज आईएससी एग्जामिनेशन में तुमको देखने को मिला था, ठीक है यार। सो हम ट्राई करेंगे, उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे देंगे, जाके यार सब लोग चेक कर लेना, ठीक है, अगर फॉर यू हैव एनी अगर कुछ मिसकंसेप्शन है तो, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट है वी हैव इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो भैया इधर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आता है? इधर से यार 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। भैया आपने जो चीज बोल रहे हैं, वी ऑल नो दैट थिंग, तो आपने फिर भी इस चीज को रिपीट क्यों कर रहे हैं? यार मैं रिपीट इसीलिए कर रहा हूँ ताकि यार हम इधर से तुमको ये लेके बात करें कि कौन सा चैप्टर के साथ क्या क्या करना है, कौन सा चैप्टर के साथ क्या क्या चीज रिलेवेंट जाता है, एंड इस 4 महीने के अंदर हमको सिलेबस भी खत्म करना है। इसी के साथ हमको जेईई मेंस या फिर अगर तुम नीट दे रहे हो उसके लिए भी पढ़ाई करना है। बट इन दिस वीडियो मैं किसी भी कंपिटेटिव एग्जाम्स को कंसिडरेशन में नहीं लूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन को कंसिडरेशन में ले रहा हूं, ठीक है। इसी के साथ वी हैव योर मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इधर से यार 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इन आवर आईएससी, वेरी गुड। तो भैया स्टार्ट कैसे करें? तो यार सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है कि भैया स्टार्ट करें तो करें कौन सी चैप्टर से? देखो यार सब लोग, ज्यादा लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम योर इलेक्ट्रोस्टैटिक, एंड यार अगर तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक से स्टार्ट किए हो बहुत बढ़िया। अच्छा, और एक बात है, इसी के साथ हम और एक बुक तुमको रिकमेंड करने वाले हैं जिसको हम आईएससी के लिए यार लाइफ सेविंग बुक्स बोलते हैं, लाइफ सेविंग बुक, ठीक है। वो हम दिखा रहे हैं या फिर वो हम तुमको बोलने वाले हैं थोड़ी देर में, तो वीडियो के अंदर बने रहो, ठीक है। इसी के साथ यू हैव देयर करंट इलेक्ट्रिसिटी।
तो ये दोनों चैप्टर ना सबसे इजीएस्ट चैप्टर है इन अवर आईएससी फिजिक्स। भैया इजीएस्ट क्यों यार? इजीएस्ट इसीलिए ताकि यार ये दोनों चैप्टर हम सबसे पहले करते हैं। इसी के साथ ये दो चैप्टर मतलब इतना इजी है कि यार इधर तुम क्लास 10 का कुछ कंसेप्ट है, कुछ कुछ नया कंसेप्ट ऑब्वियसली आएगा इन योर क्लास 12, बट जितना तुम हर्ट सोच रहे हो ना यार फिजिक्स के लिए, बहुत लोग डर जाते हैं कि भाई फिजिक्स है यार बहुत कम नंबर मिला था क्लास 11 में। अरे भाई क्लास 11 भूल जाओ, अभी राइट नाउ इन दिस सिचुएशन तुम क्लास 11 भूल जाओ। अपने बोर्ड एग्जामिनेशन जो आ रहा है उसको फोड़ने के लिए जो भी करना है इन दिस पोजीशन, इन दिस सिचुएशन, इन दिस टाइम, डू व्हाट एवर इज नीडेड राइट नाउ, ठीक है? अच्छा भैया, तो क्या हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के स्टार्ट कर दे? हाँ यार, करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तो स्टार्ट करो विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अगर तुम अभी तक कुछ भी स्टार्ट नहीं किए हो, ठीक है? एंड इसी के साथ साथ तुम स्टार्ट कर दो विद योर ऑप्टिक्स। भैया ऑप्टिक्स तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, इधर हम करेंगे अब बोल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इधर से हम ऑप्टिक्स करेंगे। हम क्यों बोल रहे हैं ये चीज करने के लिए? क्योंकि हमको सिलेबस भी जल्दी खत्म करना है, इसके बाद रिवीजन करना है, इसके बाद यार इसके साथ यार लास्ट इयर सॉल्व करना है, एंड उसके बाद हमको स्पेसिमेन पेपर करना है। ये चारों चीज हमको दिमाग में रखते हुए अभी अपने फुल एफर्ट को लगाना है। तो भैया सोर्सेस नहीं है, भैया ये बुक ना बहुत सारे स्टूडेंट के पास राइट नाउ नहीं है। हम पकड़ रहे हैं कि लॉकडाउन है तो बुक्स नहीं मिला, यार बुक्स भी नहीं मिला तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं यार कुछ कुछ नोट्स प्रोवाइड कर दिया। एंड इसी के साथ साथ यार ऑनलाइन कंटेंट को देखो, यार ऑनलाइन कंटेंट को देखो, बहुत सारे ऑनलाइन कंटेंट है, ठीक है यार यूट्यूब के अंदर बहुत सारी चीज फ्री है, उस चीज को यार देखो। मैं उस चीज को देखने के लिए तुमको रिकमेंड कर रहा हूं। अगर इससे भी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, ऑन दैट टाइम यू कैन गो टू अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। ऑल्दो आई एम नॉट एडुकेटर ऑफ आईसीएससी या फिर आईएससी फिजिक्स या फिर सीबीएसई फिजिक्स, बट उधर तुमको बहुत अच्छा अच्छा टीचर्स मिलेगा, दोज हु टॉट फिजिक्स एंड दैट ऑल्सो इन वेरी डिफरेंट वे, ठीक है? दैट ऑल्सो इन वेरी डिफरेंट वे। मैं स्वयं अनअकैडमी के अंदर हूँ क्लास 10 तक, नॉट इन 11 एंड 12, तो वो देख जाके देख सकते हो, ठीक है? अच्छा इसी के साथ साथ हम क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट किया कर दिया, इसी के साथ हम रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स नहीं यार। अच्छा ऑप्टिक्स के अंदर दो पार्ट होता है, ठीक है? सब लोग नहीं जानते हो, बहुत सारे स्टूडेंट दोज आर राइट नाउ वॉचिंग दिस वीडियो न्यू, ऑप्टिक्स के पार्ट यार दो होता है, एक है रे ऑप्टिक्स एक है यार वेव ऑप्टिक्स, ठीक है? तो हम रे ऑप्टिक्स को स्टार्ट करेंगे एंड इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को स्टार्ट कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि हम ना ऑल्टरनेटिव तरीके से पढ़ेंगे, एक बार करेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड एक बार करेंगे हम वेव ऑप्टिक्स, तो दोनों को हमको साइमल्टेनियसली चलाना है, ठीक है? ऐसे करते हुए ये चीज खत्म हो गया, इसके बाद हमारा आएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी जब हम स्टार्ट करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत इजी चैप्टर है यार, मतलब मेरे टाइम में जब मैं स्टार्ट किया था ना करंट इलेक्ट्रिसिटी को, इतना इजी चैप्टर है यार, इतना इजी चैप्टर है कि मतलब मैं वो चैप्टर को सिर्फ पढ़ते गया, मतलब बहुत अच्छा लगता है। मतलब हाँ कुछ कुछ चीजें प्रॉब्लम होगा, बट वो चीज तुमको स्वयं मेकअप करना है। एंड सर्किट डायग्राम यार, सर्किट डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इधर सबसे ज्यादा मार्क्स आता है फ्रॉम योर सर्किट डायग्राम, ठीक है? सी डी लिख दिया, फ्रॉम योर सर्किट डायग्राम बहुत ज्यादा मार्क्स कैरी होता है। अच्छा बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद यू हैव योर मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो भैया जब हम ये चीज करेंगे तब क्या सिर्फ और सिर्फ ये चीज करेंगे? देखो यार इधर थोड़ा दो बात आता है, इधर पहला बात ये आता है कि मैग्नेटिक इफेक्ट जो है यार, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड ये तीनों चैप्टर ना इक्वली थोड़ा, मतलब तीनों के साथ थोड़ा मैच करते हैं, ठीक है? सो तुम एसी के साथ ये चीज कर सकते हो, बट अगर तुम चाहो कि नहीं भैया मेरा रे ऑप्टिक्स खत्म नहीं हो अभी तक विद दिस थिंग, तो यू कैन गो इसके साथ, तुम जा सकते हो या फिर साइमल्टेनियसली कर सकते हो। बहुत बढ़िया। अच्छा भैया तो ये करते करते कितना टाइम लगेगा? देखो यार वेव ऑप्टिक्स या फिर रे ऑप्टिक्स दोनों को मिलाकर 18 मार्क्स का क्वेश्चंस आते हैं, तो ऑप्टिक्स इज अ वेरी बिग टॉपिक, सबसे ज्यादा बड़ा टॉपिक ऑप्टिक्स है। अच्छा ऑप्टिक्स में क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है जानने के लिए यार, ऊपर में या फिर कार्ड में मैं एक वीडियो दे दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, जाके उस वीडियो को यार चेक करना, जो कि यार स्पेशली लास्ट मिनट सजेशन है फॉर योर फिजिक्स आईएससी, ठीक है? जाके चेक करो यार, थोड़ा तुमको हेल्प मिलेगा। अच्छा वेरी गुड। सो यार इधर हम समाप्त कैसे करेंगे? देखो यार एसी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये तीन चीज को तुम्हें समाप्त कर सकते हो या फिर कंप्लीट कर सकते हो, 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो मैं एक बार के अंदर कंप्लीट करने के लिए नहीं बोल रहा, तुम एसी करो, एसी के साथ अगर मैग्नेटिक इफेक्ट कर रहे हो तो थोड़ा रेलिवेंसी बनेगा। तो ऐसे करते हुए एसी मैग्नेटिक इफेक्ट हम खत्म कर लिए, ठीक है? बट अभी तक हमारे इधर वेव ऑप्टिक्स बचे हैं, वेव ऑप्टिक्स अभी तक बचे हैं। तो भैया वेव ऑप्टिक्स को समाप्त करेंगे कैसे? वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स अगर खत्म हो गया, वेव ऑप्टिक्स छोड़ दो, कुछ टाइम के लिए छोड़ दो। भैया छोड़ क्यों देंगे यार, करेंगे तो? हाँ भाई करेंगे, ऑब्वियसली करेंगे, बट इन दिस पोजिशन अभी के लिए छोड़ दो। अभी आ जाओ डुअल नेचर ऑफ लाइट में, डुअल नेचर ऑफ लाइट के अंदर आ जाओ।
भैया ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट के अंदर क्यों आएंगे? ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट के अंदर हम इसीलिए आएंगे ताकि हमारे इधर करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म समाप्त हो गया एंड इधर से हम कुछ पार्ट मतलब एटलीस्ट 60-70 पार्ट हम खत्म कर लिए, ठीक है 60-70 पार्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट से वो हम खत्म कर लिए। सारे पार्ट यार इक्वली इंपॉर्टेंट है बट हम इंपॉर्टेंट पार्ट हम खत्म कर लिए, ठीक है। एंड इधर सबसे बड़ा पार्ट रे ऑप्टिक्स हो गया, वेव ऑप्टिक्स अभी तक बचा है, ठीक है रे ऑप्टिक्स कर लिया, रे ऑप्टिक्स समाप्त करना एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो अभी हम आएंगे ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट के अंदर। तो ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट के अंदर ये थोड़ा इंटरेस्टिंग डिफरेंट चीज है यार, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, लाइट यार दो नेचर हमको शो करते हैं, ठीक है यार वो चीज उनको इंटरेस्टिंग लगेगा। एंड इसी के साथ जो कंप्यूटर के बच्चे हो यार तुम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पढ़ने के लिए कुछ नहीं है या फिर कम्युनिकेशन सिस्टम एंड गेट है और गेट है नॉर गेट है ये चीज है मतलब बहुत ज्यादा इजी है ये चीज, ठीक है एक कंप्यूटर के बच्चे के लिए तो बहुत ही इजी है। अगर तुम्हारा कोई आईएससी कंप्यूटर का कोई दोस्त है उससे जाकर ये चीज पूछ लेना क्योंकि यार के मैप एंड ऑल ये सारे चीज उधर तुमको मिल जाएगा, ठीक है यार उधर तुमको ये सारे चीज मिल जाएगा। सो वेरी गुड। अच्छा इसके साथ भैया ये दोनों चैप्टर खत्म करने में क्या बहुत टाइम लगेगा? नहीं यार ये दोनों चैप्टर खत्म करने के लिए मैक्सिमम अगर तुम सही से पढ़ाई करते हो एटलीस्ट दो दो घंटे चार घंटे करके लिए तो यार 5 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा मैक्सिमम 5 to 7 days इससे भी कम टाइम लगता है यार मतलब कंप्यूटर स्टूडेंट के लिए तो ये टाइम बहुत कम लगेगा बट जो बायोलॉजी के स्टूडेंट है उनके लिए थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। तो भैया हुआ क्या मुद्दे की बात क्या हुआ? मुद्दे की बात यही हुआ कि हम ये दोनों खत्म कर लिए इधर से हमारा यार एटलीस्ट बोल सकते हो 60% सिलेबस कंप्लीट हो गया। ऑप्टिक्स से सिर्फ वेव ऑप्टिक्स बचे हैं एंड इधर से 40% सिलेबस बचे हैं, ठीक है तो ऐसे चीज जितने चीज हम बोले हैं एंड इधर से यार एटम एंड न्यूक्लियस बचे हैं तो यार ये चीज तुम खत्म करते करते आई होप सो अगर सही से पढ़ाई करते हो दिन में अच्छा टाइम देके यार एटलीस्ट अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो थोड़ा ज्यादा टाइम देके भी तुम पढ़ाई कर सकते हो, ऑनलाइन ट्यूशन कर सकते हो, ऑनलाइन क्लासेस बहुत सारे अच्छे अच्छे हैं उसको फॉलोअप कर सकते हो, आन एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हो। तो करने के बाद तुम ये सारे चीज एटलीस्ट 2 से 2.5 महीने के अंदर खत्म कर सकते हो, ठीक है वेरी गुड भैया 2 से 2.5 महीने के अंदर तुम इतने सारे चीज खत्म कर सकते हो। तो भैया आप बोल रहे 4 महीना, हाँ यार देखो अभी जो 40% इधर से बचे हैं एंड इधर वेव ऑप्टिक्स एंड एटॉमिक न्यूक्लियस तो ये चीज चलेगा भैया चलेगा क्यों? क्योंकि यार हम जितने भी चीज समाप्त कर दिए है ऑलरेडी हमको उसको रिवाइज करना है, एक बार रिवाइज करना है नहीं यार दूसरी बार भी रिवाइज करना है। एक बार पहले बार रिविजन को बोलते हैं रिविजन या फिर रिवाइज, दूसरी बार को क्या बोलते हैं रिवाइज, क्या है रिवाइज भी हमको करना है। अगर हम रिवाइज नहीं करेंगे तो जितने चीज हम अभी तक पढ़ाई किए हैं हम कुछ चीज हमको दिमाग में नहीं आएगा, हम सारी चीज भूल जाएंगे, ठीक है हम सारी चीज क्या करेंगे भूल जाएंगे। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो इतने सारे चीज हो गया तो ये करते करते बोल सकते हो कि लगभग 3.5 months के अंदर तुम ये सारे चीज खत्म कर सकते हो। अच्छा वेरी गुड। इसी के साथ हम क्या करेंगे भैया? इसी के साथ हमको यार और भी कुछ करना है, क्या क्या करना है यार? बहुत इंपॉर्टेंट चीज करना है जो राइट नाउ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्हाट यू कॉल्ड लास्ट 10 इयर्स। लास्ट 10 इयर्स भैया कितना इंपॉर्टेंट है यार, लास्ट 10 इयर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। मैं तुमको यार निराश नहीं करूंगा एंड ऊपर से मैं इतना बड़ा चीज कैसे बोल पाता हूं क्योंकि मेरे को स्वयं मार्क्स मिला था एंड मैं यार लास्ट ईयर जिन स्टूडेंट को पढ़ा था दे हैव आल्सो गॉट वेरी गुड, एक बार स्टूडेंट रिकमेंडेशन देख सकते हो, ठीक है। सो ये चीज हो गया, लास्ट इयर्स हो गया। अच्छा भैया वेरी गुड, लास्ट इयर्स हो गया। तो अभी भैया क्या करेंगे? अभी लास्ट इयर्स खत्म करने के बाद भी, लास्ट 10 इयर्स खत्म करने के बाद भी बचे रहते हैं तुम्हारे सैंपल पेपर। सैंपल पेपर भी इंपॉर्टेंट है भैया। सैंपल पेपर कौन सा कर यार? फ्रैंक का एक सैंपल पेपर आता है, फ्रैंक का, तो ये वाला तुम कर सकते हो जो कि काफी इंपॉर्टेंट है इन दिस पोजीशन या फिर इन दिस सिचुएशन। एंड इसी के साथ वेव ऑप्टिक्स, एटम एंड न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये हमको धीरे 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 हम कर लेंगे, ठीक है हम कंप्लीट हम कर लेंगे ऑब्वियसली, बट मेन पार्ट मेन सिलेबस जो यार इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एंड जो वीडियो में तुमको देखने के लिए रिकमेंड किया, इतना सा चीज तुमको चाहिए टू गेट अ वेरी गुड नंबर अबव 95%। हम और एक बार रिपीट कर रहे हैं अबव 95%। तो अगर ये चीज तुम सही से फॉलो अप कर सकते हो, ठीक है, एंड ऊपर से यार कम्युनिकेशन सिस्टम भी यार बहुत इजी है, ये दोनों चैप्टर बहुत इजी है। तो भैया इजी इजी चैप्टर क्या क्या है वो बोलिए। कम्युनिकेशन सिस्टम इजी है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इजी है,
इलेक्ट्रोस्टैट इजी है, करंट इलेक्ट्रिसिटी इजी है, एंड ऑप्टिक्स के रे ऑप्टिक्स पार्ट में कुछ कुछ चीज इजी बहुत है। तो भैया बाकी के बहुत सारे हार्ड है यार, बहुत कठिन नहीं है। एसी भी यार इजी है, क्योंकि एसी के अंदर सिर्फ और सिर्फ कुछ फॉर्मूलास तुमको याद रखना है। देखो यार मैं इसलिए बोल रहा हूं तुमको कि लास्ट 10 ईयर्स देखो, उसके बेसिस तुमको एक आइडिया आ जाएगा कि भैया क्या एग्जाम या फिर क्या क्या क्वेश्चन आईसीएसई के टीचर सेट करने वाले हैं यार, इतना सा चीज। ठीक है, सिलेबस बहुत बड़ा है, सिलेबस ऑब्वियसली बहुत बड़ा है, बट तुमको इसको स्ट्रेटेजिकली खत्म करना है, तुमको इसको स्ट्रेटेजिकली खत्म करना है। अगर स्मार्ट वर्क करोगे, डेली बेसिस में पढ़ोगे, ऑन दैट टाइम लास्ट में जाके प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं जो लास्ट 4 महीने का यार स्ट्रेटेजी बोला फॉर 2020-21 स्टूडेंट, उसके अंदर ये चीज भी आता है यार, सेल्फ स्टडी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सेल्फ स्टडी, अगर सेल्फ स्टडी जितना चीज नहीं तुम करोगे यार, तब तक तुम कुछ कर नहीं पाओगे। एंड राइट नाउ सेल्फ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई टीचर नहीं है जो तुमको घर में आके लॉकडाउन के अंदर पढ़ाएगा, तुमको खुद पढ़ना है, तुमको स्वयं पढ़ना है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर ऐसी तरीके से वीडियो चाहते हो, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना अपने फ्रेंड्स के साथ, सारे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में डालना, एंड ऊपर से यार अगर तुम इस तरीके का वीडियो चाहते हो तो यार मैं ट्राई करूंगा ऐसी तरीके का यार वीडियो तुमको जितनी जल्दी हो सके, जितनी ज्यादा हो सके तुमको देना। ठीक है, सो इसी के साथ हम समाप्त करते हैं, तब तक के लिए चलते हैं, सी या हैव अ गुड टाइम, फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।